नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी हेल्थ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हर गर्भवती महिला का यह सपना होता है कि उनके घर आने वाला नन्हा मेहमान स्वस्थ, बुद्धिमान एवं तेज दिमाग वाला हो, और इसके लिए गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के बाद ही नहीं बल्कि वे गर्भावस्था के पहले महीने से ही इसकी तैयारी शुरू कर देती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला जिन चीज़ों का सेवन करती है उनका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य एवं मस्तिष्क के विकास पर पड़ रहा होता है। दोस्तों, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम आपको 5 ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसका सेवन अगर गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के दौरान करती है तो ये निश्चित है कि उनके होने वाला बच्चा स्वस्थ, बुद्धिमान एवं तेज दिमाग वाला ही होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहती हो कि आपका बच्चा बुद्धिमान एवं तेज दिमाग वाला हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो पहला है फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान हर गर्भवती महिलाओं को अंडे का सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन एवं विटामिन डी मौजूद होता है जो शिशु के मानसिक विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला अंडे का सेवन करती है तो उनके होने वाला शिशु स्वस्थ एवं बुद्धिमान होगा। दूसरा है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान पालक का सेवन। दोस्तों, पालक में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स मौजूद होते हैं जो शिशु के मस्तिष्क के संपूर्ण विकास हेतु बहुत ही फायदेमंद होता है। ऐसे में अगर गर्भवती महिला पालक का सेवन करती है तो उनके होने वाला शिशु बहुत ही तेज दिमाग वाला होगा। तीसरा है फ्रेंड्स, गर्भवती महिला को रोजाना अपने डाइट में दही को शामिल करनी चाहिए। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मौजूद होते हैं जो शिशु के मानसिक विकास में मदद करता है। इसके अलावा आप अपने आहार में दूध भी शामिल कर सकती है जो शिशु के मानसिक विकास के साथ साथ शिशु के हड्डियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। चौथा है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बादाम का सेवन। दोस्तों, बादाम में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम, विटामिन सी, फोलेट और प्रोटीन जैसे स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शिशु के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के जोखिम को कम करता है एवं शिशु के मस्तिष्क विकास को मजबूत बनाता है। ऐसे में अगर गर्भवती महिला बादाम का सेवन करती है तो उनके होने वाला शिशु स्वस्थ, बुद्धिमान एवं तेज दिमाग वाला होगा। पांचवा और अंतिम है फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान पनीर का सेवन। गर्भावस्था के दौरान बच्चे के मस्तिष्क विकास के लिए पनीर बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि पनीर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में मौजूद होता है जो भ्रूण के शारीरिक एवं मानसिक विकास में मदद करता है। गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन 600 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है। पनीर उन खाद्य पदार्थों में शामिल है जो विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।